बहुत ही स्वादिष्ट और एकदम प्योर पाव भाजी मसाला है। इसका कलर टेक्सचर किसी एवरेस्ट और एमडीएच वाले पाव भाजी से कम नहीं है। जब आप अपनी पाव भाजी इस मसाले से बनाएंगे तो भाजी को चाटते रह जाएंगे। कुक विद पारुल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल। कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाव भाजी हम सभी लोगों को, बच्चे हों या बड़े, बहुत पसंद होती है, लेकिन भाजी में जब तक परफेक्ट पाव भाजी मसाला ना पड़े तब तक स्वाद नहीं आता है। मुंबई की फेमस स्ट्रीट फूड पाव भाजी में जो स्वाद है, बिल्कुल वही वाला मसाला मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आपकी भाजी बनेगी सुपर टेस्टी। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट पाव भाजी मसाला। सबसे पहले हम गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे और यहाँ पर मैंने लिया है 5 बड़े चम्मच धनिया साबुत। अब इसी में हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच जीरा। सभी चीजों को हमें ड्राई रोस्ट करना होगा, बिल्कुल सूखा, इसी तरीके से लो फ्लेम पर हम इसको भूनेंगे। 1 बड़े चम्मच सौंफ। हम सभी मसालों को लो फ्लेम पर सिर्फ इतना भूनेंगे कि इसमें से बढ़िया सी खुशबू आने लगे और कच्चापन निकल जाए। फ्लेम यहाँ पर लो ही रखिए, वरना आपके मसाले जल जाएंगे और उनका स्वाद पूरा खत्म हो जाएगा। और ये देखिए, बढ़िया कलर भी आ गया है, सुनहरा सा, और बहुत बढ़िया इसमें से खुशबू आ रही है। तो अब हम इसको एक प्लेट पर निकाल लेंगे, इससे ज्यादा मैं नहीं भूनना है। अब इसी पैन पर फ्लेम को लो रख करके मैंने यहाँ ली है 15 सूखी लाल मिर्च, 1 बड़े चम्मच पेपरकॉर्न यानी काली मिर्च साबुत, 2 तेज पत्ता, 2 दालचीनी यानी सिनेमन स्टिक्स, तो उसको देगी बहुत बढ़िया फ्लेवर। और अपने हाथ से बने पाव भाजी मसाले की तो बात ही कुछ और है। प्रिजर्वेटिव फ्री, बिल्कुल भाजी बनेगी आपकी मार्केट जैसी। और ये मैंने ली है 1 बड़ी इलायची, अगर आपके पास बड़ी इलायची नहीं है तो आप 2 हरी इलायची भी डाल सकते हैं। और ये मैंने लिए हैं लगभग 10 के करीब लौंग। सभी चीजों को लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। आप सोच रहे होंगे हमने सब चीजों को एक साथ क्यों नहीं भुना, क्योंकि जो चीजें हमने पहले भुनी थी उनको थोड़ा समय लगता है भुनने में, और लाल मिर्च वगैरह थोड़ी जल्दी भुन जाती है, इसलिए ये मैंने अलग भून लिया। और इस तरह से हिलाते हुए सभी चीजों को लो फ्लेम पर भून लेंगे। तो ये लीजिए, हमारे ये सब मसाले भी अच्छे से भुन गए। गैस को ऑफ करते हैं और इसको भी प्लेट पर निकालते हैं। अब मसाले हमारे हल्के ठंडे हो गए हैं, तो मैंने लिया है यहाँ पर 1 ग्राइंडिंग जार। हम मसालों को बिल्कुल फाइन पाउडर में पीस लेंगे। तो सारे मसाले हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। मसालों के साथ ही मैं ग्राइंडिंग जार में डाल रही हूँ 1 बड़े चम्मच आमचूर पाउडर, जो देगी इसको बहुत ही बढ़िया खट्टा सा फ्लेवर, जैसे कि पाव भाजी मसाले में होता है। 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच नमक, साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें 1/2 छोटी चम्मच काला नमक, ब्लैक सॉल्ट बिल्कुल ऑप्शनल है, बहुत ही बढ़िया इससे स्वाद आता है, तो मैं साथ ही इसको डाल देती हूँ। अब हम सभी चीजों को अच्छी तरीके से पीस लेंगे और इसका फाइन पाउडर तैयार करेंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा पाव भाजी मसाला तैयार हुआ है। इसका कलर टेक्सचर किसी एवरेस्ट और एमडीएच वाले पाव भाजी से कम नहीं है, स्वाद उनसे भी कहीं ज्यादा बढ़िया। तो लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारा सुपर टेस्टी, बाजार से भी कहीं बढ़िया पाव भाजी मसाला, एकदम प्योर, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं। इसको जरूर बनाइए, और सिर्फ पाव भाजी में ही नहीं, आप इससे बना सकते हैं तवा पुलाव, तवा फ्राई सब्जियां, मसाला पाव, पनीर मसाला, पाव भाजी टोस्ट, पाव भाजी चीला, कितनी सारी चीजों में आप इसको यूज कर सकते हैं और जगा सकते हैं 100 गुना ज्यादा स्वाद। अब आप इसे एक ए टाइप कंटेनर में भर करके 6 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रिज में रख दीजिए, पूरी साल भी खराब नहीं होगा। और अगर आप बाहर भी रख रहे हैं तो भी 6 मंथ इसमें कुछ नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाव भाजी मसाले की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आप भी बनाइए और मुझे बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, सभी के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।